आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईसीजी के बारे में। हम जानेंगे ईसीजी क्या होता है और कैसे हम इसकी रिपोर्ट को रीड करते हैं। तो इस वीडियो में हम सिंपल भाषा में जानने वाले हैं कि ईसीजी क्या होता है। देखिए, ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इसके द्वारा हम अपने हार्ट की एक्टिविटी को देखते हैं, यानी कि हमारा हार्ट किस तरह से काम कर रहा है या फिर उसमें कोई डिसीज़ तो नहीं है। तो देखिए, जब हम ईसीजी को करते हैं तो हमें इस तरह का ग्राफ दिखने को मिलता है, लेकिन हमें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आप इसे कैसे देख सकते हैं या फिर कैसे आप इसमें कोई बीमारी ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, हमने उस ईसीजी ग्राफ के एक सेगमेंट को यहाँ पर ले लिया है जिससे आप उसे अच्छे से समझ सकें। जैसे कि यहाँ पर है PQRST, तो ये एक सेगमेंट है जो कि बार बार इस ग्राफ में रिपीट होता है। यदि आप इसे समझ जाएंगे तो आप पूरे ग्राफ को अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहला है P, देन दूसरा है QRS कॉम्प्लेक्स एंड तीसरा है यहाँ पर T। तो हमें इन्हें ही देखना होता है। और यहाँ पर P और R के बीच के जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं PR इंटरवल, और यहाँ पर S और T के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं ST इंटरवल। तो इस तरह से हम इसे देखते हैं। और एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट की दूरी होती है 0.20 सेकेंड, ये नॉर्मल वैल्यू होती है। तो आप जानते हैं कि हमारे हार्ट में या फिर हमारे दिल में चार चैम्बर पाए जाते हैं। दो चैम्बर ऊपर होते हैं इस तरह से, और दो चैम्बर नीचे होते हैं। तो जो ऊपर के चैम्बर होते हैं उन्हें हम एट्रियम कहते हैं, जिसमें कि हमारा ब्लड पहले आता है, और इसके बाद ये ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में आता है, यानी कि नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं इन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए यहाँ पर पहले क्या है पी वेव, इसके बाद है QRS कॉम्प्लेक्स, और तीसरा है यहाँ पर टी वे। तो देखिए, जब भी हमारा ब्लड एट्रियम में आता है या फिर एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है तो इसे हम कहते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन, जिसके द्वारा पी वेव का ओरिजन होता है। देन इसके बाद होता है QRS कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, जब भी हमारे वेंट्रिकल्स यानी कि ये नीचे के जो चैम्बर होते हैं ये कॉन्टैक्ट होते हैं या फिर यहाँ से ब्लड हमारे बंडल ब्रांच में आता है तो इसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। एंड तीसरा है यहाँ पर टी वेव। देखिए, टी वेव क्या होता है, इसका मतलब होता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी कि जब हमारा ब्लड वापस से हमारे वेंट्रिकल में आ जाता है तो उसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो इसके द्वारा टी वेव का ओरिजन होता है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे यदि आपके पी वेव में कुछ कमी मिलती है, इसका मतलब आपके एट्रियम में कुछ कमी है, और यदि आपके QRS कॉम्प्लेक्स में कुछ कमी देखने को मिलती है, इसका मतलब हमारे वेंट्रिकल्स में कुछ कमी है, या तो वेंट्रिकल्स का साइज़ बढ़ चुका है या फिर छोटा हो चुका है या फिर उसमें कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि हम आगे देखेंगे। और इसके अलावा यदि हमारे टी वेव में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसका मतलब हमारे रिकवरी टाइम में कुछ कमी हो रही है। तो इसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं हार्ट रेट की, यानी कि हम अपने ईसीजी में हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर उसे कैसे देखते हैं। तो देखिए, इसे देखने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है जब हमारी जो रिदम होती है वो रेगुलर होती है, यानी कि जो हमारे ये रिदम्स होती हैं ये रेगुलर होती है, यानी कि ऊपर नीचे नहीं होती है, तो हम इसे कैसे देखते हैं। देखिए, इसे देखने के लिए क्या करते हैं, तो जो हमारे दो सेगमेंट हैं, यानी कि ये पहला सेगमेंट है और ये दूसरा सेगमेंट है, यानी कि जो दो RR इंटरवल हैं इनके बीच के हम देखते हैं कि कितने स्क्वायर हैं। आप देख पा रहे हैं कि इनके बीच में चार स्क्वायर हैं, चार बड़े स्क्वायर हैं, तो हम इसे 300 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 300 से डिवाइड किया गया है चार को, तो हमारी यहाँ पर हार्ट रेट आई है 75 बीट पर मिनट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा हार्ट रेट कितना है। और देखिए, यदि हमारे हार्ट की रिदम रेगुलर नहीं होती है, यानी कि इररेगुलर होती है, या फिर हमारा जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो ऊपर नीचे होता है, यानी कि एक लेवल में नहीं होता है, तो यहाँ पर दूसरा मेथड हमें अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक 6 सेकंड की स्ट्रिप होती है, यानी कि यहाँ से 1 से 6 सेकंड के बीच की स्ट्रिप होती है, तो इसमें हम QRS कॉम्प्लेक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने हैं। तो यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी हार्ट रेट आ गई है 60 बीट प्रति मिनट। तो इस तरह से दोनों ही कंडीशन में हम अपने हार्ट रेट को निकाल सकते हैं। बात कर लेते हैं PQRST कॉम्प्लेक्स के बारे में, यानी कि हम इसमें क्या क्या देखना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पी वेव के बारे में। तो ये हमारी पी वेव है, तो ये हमारी पी वेव है। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो इसकी चौड़ाई होती है यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी होती है वो 3 छोटे बॉक्स से कम होनी चाहिए, और जो इसकी ऊँचाई होती है वो 2.5 छोटे बॉक्स से कम होनी चाहिए।
तो ये इसकी नॉर्मल कंडीशन होती है, मींस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यदि इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है या फिर इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी बढ़ जाती है तो इसे हम कहते हैं LAE, मींस लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट, यानी कि हमारे बाईं साइड का जो एट्रियम है उसका साइज बढ़ चुका है। और यदि इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है या फिर हमें इसकी ऊंचाई ज़्यादा देखने को मिलती है, इसका मतलब होता है RAE, मींस राइट एट्रियम एनलार्जमेंट, यानी कि हमारे दाईं साइड का जो एट्रियम है उसका साइज बढ़ चुका है। तो इस तरह से हम इसे जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पी वी एफ की कुछ कंडीशन को दिखाया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर है नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में इसकी जो पिक्चर होती है वो ऐसी होती है, लेकिन यदि ये पतली होकर लंबी हो जाती है, देखिए इस तरह से हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं RAE, यानी कि राइट एट्रियम एनलार्जमेंट। इसके अलावा यदि ये इस तरह से हो जाती है, यानी कि ये चौड़ी हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट। और यदि ये चौड़ी होकर और लंबी भी हो जाती है तो इसे हम कहते हैं RAE प्लस LAE, यानी कि इसमें दोनों ही एनलार्जमेंट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो ये होता है QRS कॉम्प्लेक्स। तो आप जानते हैं कि ये किस समय होता है, जब भी हमारे वेंट्रिकल्स डीपोलराइज होते हैं तो उस समय हमारा QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। और इसके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 0.08 से 0.12 सेकंड। तो ये इसकी नॉर्मल कंडीशन है। तो यदि ये बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, मीन्स हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, तो उसे भी हम जान लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम इसमें देखने को मिल सकती है। देखिए जब भी हमारे QRS कॉम्प्लेक्स के बीच की दूरी 0.11 से ज़्यादा हो जाती है, मीन्स हमारे वेंट्रिकल से निकलने वाले बंडल ब्रांच में ब्लॉक हो चुका है या फिर वो बंद हो चुकी है, तो ये दो तरह का होता है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो इसे हम कैसे जान पाएंगे? तो देखिए हमारे जो हमारा ECG होता है उसमें दो तरह के लीड होते हैं, V1 एंड V6। तो यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। लेकिन जब भी हमारा जो ग्राफ होता है वो V1 में W की आकृति का होता है, यानी कि इस तरह से होता है, और V6 में M की आकृति का होता है, इस तरह से होता है, मीन्स हमारा लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो चुका है, यानी कि हमारे बाईं तरफ की जो बंडल ब्रांच है वो ब्लॉक हो चुकी है। और यदि हमारा जो V1 में M देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारा QRS है वो M की आकृति का हो जाता है, और V6 में हमारा जो QRS है वो W की आकृति का इस तरह से हो जाता है, मीन्स हमारा दाईं साइड का बंडल ब्रांच ब्लॉक हो चुका है या फिर वो बंद हो चुका है। तो इस तरह से हम इसे जान पाएंगे। तो अब तक हम पी वेव और QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में जान चुके हैं, अब हम बात करते हैं टी वेव के बारे में। देखिए जब भी हमारे वेंट्रिकल्स में रीपोलराइजेशन होता है तो उस समय टी वेव का ओरिजिन होता है, यानी कि टी वेव उससे बनती है। तो टी वेव में कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसके द्वारा हम तरह तरह की बीमारियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आप जानते हैं कि नॉर्मली हमारी टी वेव जो होती है वो इस तरह की होती है, लेकिन कई बार ये उल्टी हो जाती है, यानी कि इन्वर्टेड हो जाती है, या फिर ये पीक्ड हो जाती है, यानी कि इसकी जो है चोंच निकल जाती है, या फिर ये फ्लैट हो जाती है इस तरह से, और या फिर ये बाई फिट भी हो जाती है, यानी कि इसमें दो चोंच निकल जाती है। तो ऐसा कई सारी कंडीशन में देखने को मिल सकता है। तो हम जान लेते हैं कि ऐसा कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। तो देखिए टी वेव के द्वारा हम हार्ट की कई सारी प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे हमने इसे तीन ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। तो पहला है यहाँ पर प्रोमिनेंट, दूसरा है इन्वर्टेड, यानी कि जो टी वेव है वो उल्टी हो चुकी है, और तीसरा है यहाँ पर अदर, जिसमें क्या आता है फ्लैट एंड बाई फेसिक। तो ये टाइम पर भी डिपेंड करता है, यानी कि जो हमारी टी वेव है वो नॉर्मल कंडीशन से अब नॉर्मल कंडीशन में कितनी देर तक रही है। जैसे कि यदि किसी पेशेंट की टी वेव 2 से 3 घंटे तक उल्टी रहती है, यानी कि इन्वर्टेड रहती है, इसका मतलब पेशेंट को एक्यूट MI का अटैक आया, यानी कि उसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो चुका है। तो इस तरह से हम इसे जान पाते हैं। तो यहाँ पर प्रोमिनेंट में है हाइपरकैल्केमिया, बिनाइन अर्ली रीपोलराइजेशन, एक्यूट मायोपेरिकार्डाइटिस, बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसके अलावा इन्वर्टेड में है बंडल ब्रांच ब्लॉक, पेरिकार्डाइटिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अदर्स में है मेटाबॉलिक एंड पोस्ट इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। तो इस तरह से हम टी वेव के द्वारा कई सारी प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ST इंटरवल के बारे में, यानी कि S और T के बीच की दूरी के बारे में। तो इसके द्वारा हमें हार्ट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये कई बार ऊपर भी चला जाता है और कई बार ये नीचे भी चला जाता है। यदि ये ऊपर जाता है तो हम इसे ST एलिवेशन कहते हैं, और जो यदि नीचे जाता है तो इसे हम ST डिप्रेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसका डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारा नॉर्मल ECG है,
ये हमारा नॉर्मल ईसीजी है, और यहाँ पर है एसटी डिप्रेशन, यानी कि जो आपका एसटी है वो नीचे जा चुका है, और ये है आपका एसटी इलेवेशन, यानी कि जो आपका एसटी है वो ऊपर जा चुका है। तो ये क्यों जाता है, इसके कई सारे रीज़न होते हैं, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एसटी सेगमेंट के एलिवेशन के कारण और एसटी सेगमेंट के डिप्रेशन के कारण, यानी कि इनके क्या क्या कारण होते हैं, उन सभी को हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन सभी कारणों को हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे कवर कर लेंगे, क्योंकि ये सभी टाइम एंड साइज़ पर वेरी करते हैं, यानी कि जो हमारा एसटी वेरिएशन है, यानी कि एसटी जो हमारा कर्व है उसके बीच का जो दूरी है वो कितनी है और उसका साइज़ किस तरह का बना है, तो उसे देखकर हम जान पाते हैं कि हमारे हार्ट में इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है। तो उसके बारे में भी हम अगली वीडियो में धीरे धीरे जान लेंगे, आपको कम्प्लीटली बता देंगे कि आप किस तरह से जान पाएंगे कि इनमें से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतने था, यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।